हाय फ्रेंड्स, डेंटल प्रोसीजर्स मोस्टली लोकल एनेस्थीसिया के अंडर किए जाते हैं। हमारे ज़्यादातर प्रोसीजर्स में हमारे को दांतों को सुन कराना पड़ता है। उसका कारण होता है कि दांत एक वाइटल ऑर्गन है जिसके अंदर ब्लड और नर्व्स का सप्लाई है। इसलिए दांतों के ऊपर हम कुछ भी ट्रीटमेंट परफॉर्म करते हैं तो दांत सेंसिटाइज हो सकते हैं और हमें उसकी वजह से पेन हो सकता है। इसलिए हम लोकल एनेस्थीसिया लगवा कर डेंटल प्रोसीजर्स करवाते हैं जिससे हमारे प्रोसीजर्स पेनलेस होते हैं। लेकिन लोकल एनेस्थीसिया देना ही पेशेंट के लिए एक अप्रिहेंशन और एनजाइटी का कारण होता है, क्योंकि हम कॉन्शियस माइंड में यह ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं तो हमें इंजेक्शंस, नीडल, ये सब देखकर डर लगता है। पर लोकल एनेस्थीसिया देने की प्रॉपर टेक्निक फॉलो की जाए तो हमारे लोकल एनेस्थीसिया ऑलमोस्ट पेनलेस होता है। अगर आप वीडियो में देखें तो पेशेंट को लोकल एनेस्थीसिया देने के लिए हमने जो इंजेक्शन टेक्निक फॉलो करी है, हम लोकल एनेस्थेटिक एजेंट को ड्रॉप वाइज ड्रॉप इंजेक्ट कर रहे हैं। ड्रॉप वाइज ड्रॉप इंजेक्ट करने की वजह से टिश्यूज़ एक्सपेंशन नहीं होता और एनेस्थीसिया देते समय दर्द का कारण सिर्फ टिश्यूज़ एक्सपेंशन ही होता है। यदि आप एनेस्थेटिक एजेंट को तेज़ी से दिया जाए तो हमारे टिश्यूज़ एकदम से एक्सपेंड होंगे और हमें पेन होगा। यदि हम इसको ड्रॉप वाइज ड्रॉप दिया जाए तो हमें दर्द का एहसास नहीं होता और हमारा डेंटल प्रोसीजर ऑलमोस्ट पेनलेस हो जाता है।